अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में फिर से आप सभी का वेलकम है मदर व्लॉग्स में। तो बहुत दिनों के बाद मैं कुछ इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आज की जो वीडियो का टॉपिक है एंटीरियर प्लेसेंटा मीन्स बॉय और गर्ल। ये प्लेसेंटा मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार एक्सपीरियंस करी हूँ। तीन बार का एक्सपीरियंस है मेरा एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ। तो ज़रूरी नहीं कि मेरा एंटीरियर प्लेसेंटा जो जेंडर यानी जिसके साथ है वो सबके साथ हो। ऐसा हो सकता है कि एंटीरियर प्लेसेंटा में किसी को बॉय हो या किसी को गर्ल हो। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, प्लीज़ मुझे जज मत करना। तो मेरा ओन एक्सपीरियंस के बेस पर मेरी ये वीडियो होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़। ये फर्स्ट स्कैन है। तो आप यहाँ पर अब देख रहे होंगे मेरे बेबी बॉय हुए थे, तो बेबी बॉय का एक्सपीरियंस है मेरा। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए ऑलरेडी, ये रही FHR। तो यहाँ आप 10 वीक्स देख रहे हैं। मुझे इसी हफ्ते में यहाँ पर थर्ड मंथ स्टार्ट हो चुका था। तो 3 मंथ स्टार्ट होने के बाद ये फर्स्ट स्कैन हुआ था। फर्स्ट स्कैन में मेरा FHR तो जो था वो है FHR फीटल हार्ट रेट 178 बीट पर मिनट। ये फर्स्ट स्कैन है मेरा ये प्रेगनेंसी के टाइम, जो कि 2022 में हुआ है। और यहाँ पर यॉर्क सेक देखिए नॉर्मल है, 3 mm का सेक है। यानी बेबी जो यॉर्क सेक छोटा सा टीनी बेबी होता है उसे यॉर्क सेक कहते हैं। इसे नॉर्मल लिखा गया है और 3 mm का है। 10 वीक 0 डेज की मेरी प्रेगनेंसी है। सर्विक्स मेजरमेंट जो है 3.9 है। CM नॉर्मल है, इंटरनल ऑस क्लोज्ड है, नो फोकल वगैरह, एवरीथिंग इज ओके लिखा गया है। सिंगल लाइव इंटर यूट्राइन जेस्टेशनल एज, यानी बेबी सिंगल है लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ यॉर्क सेक है मेरा, ये देखिए। तो मैं अपनी 4 प्रेगनेंसी के बेस पर वीडियोस बनाती हूँ। 3 टाइम मुझे एंटीरियर प्लेसेंटा का एक्सपीरियंस है और 1 टाइम पोस्टीरियर प्लेसेंटा का एक्सपीरियंस है। तो उसी बेस पर होने वाली है ये वीडियो। तो ये एनोमली स्कैन है, आप लोगों को नहीं बता तो बता दूँ मैं, एनोमली स्कैन जो है वो 5th मंथ में होता है। और ये 3rd मंथ का मेरा यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे 1800, ये 3 मंथ का। और ये 5th मंथ में होने वाला जो है एनोमली स्कैन है, ये देखिए यहाँ पर 5th मंथ में, ये भी 2022 ईयर भी मेंशन कर रही हूँ मैं। तो जेन्यून एक्सपीरियंस वाली, ओन एक्सपीरियंस के बेस पर होने वाली। प्लेसेंटा की बात हो रही तो यहाँ पर आप देखिए प्लेसेंटा इज एंटीरियर इस पोजीशन एंड ग्रेड 1 मैच्योरिटी। तो एंटीरियर प्लेसेंटा जो है मीन्स बॉय और गर्ल। तो मेरा एंटीरियर प्लेसेंटा का एक्सपीरियंस बॉयज़ के टाइम था। मुझे 3 बॉयज़ और 1 गर्ल हुई है। तो तीनों बॉयज़ के टाइम मेरा सेम प्लेसेंटा रहा है एंटीरियर। ज़रूरी नहीं कि मेरा बॉय के टाइम है तो आप जो देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स उनका भी बॉयज़ के टाइम ही हो। हो सकता है कुछ लोगों का मैच कर जाए, कुछ लोगों का नहीं। अगर नहीं मैच कर रहा है तो आप बुरा मत मानिएगा। सबका एक्सपीरियंस अलग होता है और सबकी प्रेगनेंसी की जर्नी अलग होती, थोड़ी बहुत तो अलग होती ही है, ज़रूरी नहीं। प्लेसेंटा सेम है तो हो सकता है किसी को नौजिया, किसी को वॉमिटिंग, किसी को हेडेक, इसमें थोड़ा बहुत होता है। तो ज़रूरी नहीं, मैं किसी को जज भी नहीं कर रही। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, मेरा एंटीरियर प्लेसेंटा है। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है नो प्लेसेंटा प्रीविया, नो रेट्रो प्लेसेंटा हेमाटोमा सप्रेशन और एनी अदर प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी। यानी ना ही मेरा रेट्रो प्लेसेंटा है, ना ही प्लेसेंटा प्रीविया है, कोई सेपरेशन प्लेसेंटा अबनॉर्मलिटी नहीं है लिखा गया, या नो। देखिए ये विद प्रूफ और जेन्यून एक्सपीरियंस के बेस पर ही इस तरीके के बातें होती हैं। कई लोग कमेंट करने आ जाते हैं, पहले आप सीख लीजिएगा, आप जान लीजिएगा। अरे भाई मैं जान चुकी हूँ, मुझे 4 प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, तभी तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ। तो प्लीज़ जज मत करिएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखना है, तभी जाकर कॉन्फिडेंटली मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे बोलना है। तो सर्विक्स यहाँ पर आप देखिए मेरा 5th मंथ में आते आते 4 cm टास्क नॉर्मल इंटरनल ऑज है। ये पानी जो लिकोरिया जिसको कहा जाता है, जो अंदर होता है माँ की थैली में जहाँ पर बेबी होता है हमारा, वहाँ लिकोरिया वॉल्यूम एडिक्वेट AFI 17.2 cm। तो ये नॉर्मल रेंज है, इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज पानी की कमी के वजह से मेरे जो फर्स्ट बेबी बॉय है उनके टाइम मेरा C-सेक्शन हुआ था एमरजेंसी में। तब मुझे डॉक्टर ने कहा था ये 10 होना ज़रूरी है,
मगर मेरा 10 से ज़्यादा ही है तो अल्हम्दुलिल्लाह है। तो आप भी जो भी मॉम्स मुझे देख रहे हैं तो पानी अच्छा पीजिएगा, 10 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना 10 लिमिट है, टारगेट होता है। फिर अगर पानी की कमी हो जाएगी तो क्या पता सी सेक्शन हो सकता है, इसीलिए बचे रहिए, उसलिए ये बात बोल रही हूँ, प्लीज़ इसको गलत वे में मत लेना। तो फीटल हेड डाउन शोज नॉर्मल, मिड लाइन्स स्ट्रक्चर पोस्टीरियर पोजा अपीयर्स नॉर्मल, ये सब कुछ लिखा गया है। बेबी का हेड वगैरह सब भी शोज नॉर्मल, सिर वगैरह सब भी नॉर्मल है। स्पाइन शोज ग्रॉस एनोमलाइज नो नेक मासेस, यानी बेबी के नेक के पास कोई भी एक्स्ट्रा मास नहीं है, बेबी का हेड अच्छे से शो हो रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड नॉर्मल, ये कॉर्ड वगैरह सब भी नॉर्मल है एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ। तो फीटल लिम्स अपीयर सब कुछ नॉर्मल है, स्टमक बबल किडनी वगैरह यूरिनरी ब्लैडर, यानी बेबी का जो यूरिनरी ब्लैडर वो भी नॉर्मल है, किडनी सब कुछ नॉर्मल है, स्टमक बबल सब भी नॉर्मल है, एंटीरियर प्लेसेंटा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड सर्कमटेंसेस अबडामिन सर्कमटेंसेस वगैरह सब कुछ लिखा है, फीटल वेट और फीटल हार्ट रेट जो है एनोमली स्कैन फिफ्थ में यहाँ पर 178 आई थिंक, यहाँ पर फिफ्थ मंथ आते आते 150 हो गई है। और ये प्लेसेंटा पे है डेडिकेटेड वीडियो, तो मैं सोच रही हूँ कि वरना मैं पूरे वीडियोस ही शेयर कर दूँ। ये रहा बेबी कुछ इस तरीके से, तो अब ये एनोमली स्कैन को बाजू रख देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर 7 मंथ में जो है मेरा बेबी ब्रीच था, तो घबराइएगा नहीं, आगे फुल एक्सप्लेन करूँगी। तो लंगेश ने लाइव विथ ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो फीटल कार्ड की एक्टिविटी एंड मोमेंट आज सब कुछ नॉर्मल था। प्लेसेंटा इज एंटीरियर अपर सेगमेंट, लिकोरिया क्वांटिटी 13.5 cm, सब कुछ एवरीथिंग किस नॉर्मल था, जस्ट बेबी जो है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में आ चुका था। तो अगर 9 मंथ आते आते आपका बेबी सेम ब्रीच रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी करना मुश्किल हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, नहीं, मुश्किल बहुत हो सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में डॉक्टर ने कहा था कि 9 मंथ आते आते बेबी अपने आप को हेड डाउन ले लेता है, मगर हो सकता है आपको उसका हेड जब नीचे आए तो थोड़ा पेन हो सकता है। तो ये बात कहीं ना कहीं मैं एग्री करती हूँ जो डॉक्टर ने मुझे कही थी, जब बेबी अपने आप को हेड डाउन पोजीशन में ले रहा था तो ओ माय गॉड, उस टाइम पे सेम डिलीवरी जैसा मुझे पेन, इतना शदीद दर्द, मैं क्या बोलूँ, उसका हेड जो है वो गर्व से फटाक से गर्व से इतना ज़ोर से पोजीशन चेंज करने के बाद मुझे इतना पेट दर्द, फसलियों में दर्द, अल्लाह, मैं हॉस्पिटल गई। उसके बाद मैंने बताया बेबी मेरा ब्रीच था, तो फिर स्कैन हुआ, डॉक्टर ने जब चेक किया तो बेबी ने हेड डाउन पोजीशन ले लिया है, शायद इसी वजह से आपको पेन हुआ है ऐसा कहा गया था। बिकॉज़ ये जब मैं गई थी 7 मंथ थे, तो मुझे जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ रहा था तो 8 मंथ स्टार्ट हो चुके थे, तो 8 मंथ फर्स्ट वीक में ही बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ चुका था। तो उस वक्त बहुत ख़राब और शदीद पेन हो रहा था, फिर गए बताए करे तो एवरीथिंग इज़ ओके था। मैंने पूछा डॉक्टर से कि ये डिलीवरी का पेन है? जी नहीं, ये बेबी हेड डाउन पोजीशन में आया है आपका, शायद हो सकता है, मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता, ये हो सकता है ऐसा, जो ब्रीज था वो हेड डाउन पोजीशन में लेने की वजह से शायद अपने आप को नीचे मूव कर रहा है बेबी, ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को फिक्स कर ले रहा है, शायद वो पेन हो सकता है, कॉन्फिडेंट नहीं कह सकता, ऐसा कहा गया था। तो प्लीज़ कुछ भी गलत पे में मत लीजिएगा। और बेबी के FHR 7 मंथ में आप देखिए यहाँ पर FHR 146, वहाँ पर कितनी आई थी, फर्स्ट में आई थी 178, फिर सेकंड रिपोर्ट में आई थी 150, और ये थर्ड रिपोर्ट में देखिए 146 बीट पर मिनट, तो 2022 यहाँ पर भी लिखा गया है। तो चलते हैं लास्ट और आखिरी रिपोर्ट, जो कि ओरिजिनल मेरे पास नहीं है, तो घर में छोड़ आई हूँ मैं मायके में, तो उसके लिए सॉरी कह रही ऑलरेडी। तो ये 9 मंथ की आपको यहाँ पर 35 वीक्स 6 डेज, यानी 37 अप्रॉक्स मुझे 9 मंथ चल रहे हैं इस वक्त, जिस वक्त ये स्कैनिंग हुआ है उस वक्त। बेबी मेरा सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी सर बिल्कुल नीचे आ चुका है, प्लेसेंटा एंटीरियर अपर सेगमेंट ग्रेड थर्ड मेच्योरिटी लिकोरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15.2 cm, फीटल कार्डिक एक्टिविटी एंड मोमेंट सब कुछ नॉर्मल है, बेबी हेड डाउन पोजीशन में है, सब कुछ ओके, एवरीथिंग इज ओके,
फीटल हार्ट रेट देखिए 125। तो यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा कि बेबी की जो FHR है वो एकदम हाई आई फर्स्ट स्कैन में, सेकंड में थोड़ा लो हुई, फिर थर्ड स्कैन में थोड़ा लो हुई, यहाँ पर आप देखिए 125। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप ये बताइएगा, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? जो मॉम्स अपनी प्रेगनेंसीज़ को एक्सपीरियंस करती हैं वो ही शायद इस तरीके की कॉन्फिडेंटली बातें कर पाती हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ। तो कैमरे के सामने बोलना, ये एक्सपीरियंस शेयर करना भी एक बड़ी बात होती है, ये सबको नहीं आता है। बता दूँ मैं, मुझे भी सीखने में बहुत टाइम लगा, उसके बाद कॉन्फिडेंटली बोल पाना भी एक आर्ट, एक एक्सपीरियंस होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई भी नहीं कर पाएगा, बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं कि मुझसे भी बहुत अच्छा टैलेंट है उनके पास, सबके पास हिडन टैलेंट है, मगर वो अपने हिडन टैलेंट को दिखाना नहीं चाहती, एक्सप्रेस नहीं करना चाहती हैं, पता नहीं वो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी पर्सनल इशू हो। तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि जो मेरे साथ जो कभी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हुए वो किसी और के साथ ना हो, बस यही इंटेंशन होता है। बिकॉज़ यहाँ पर देखिए मेरा सब कुछ नॉर्मल है, 9 मंथ में फिर भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कि मेरा लेबर जो था वो बहुत भी स्लो प्रोसेस कर रहा था, और फुल डे जाने के बाद फिर नाइट में डॉक्टर ने कहा कि अब तो मैं नॉर्मल नहीं रिकमेंड करूँगी, बिकॉज आपका लेबर जो है बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहा है, थोड़ी देर के लिए ही आ रहा है जा रहा है, अब तक तो शायद बहुत फास्ट हो जाना चाहिए था, आपको 1 डे हो गया, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सी सेक्शन करवा लीजिए, इट्स बेस्ट फॉर यू फॉर योर बेबी। तो समर भी चल रहा है, वैसे मैं ऑलरेडी आपका एक सी हो चुका है, तो सेकेंड टाइम है, तो मैं नॉर्मल नहीं करूँगी, आपको रिकमेंड करती हूँ सी सेक्शन। तो फिर मेरी फैमिली से भी अच्छे से कन्विंस कर दिया डॉक्टर ने, फिर आई एम गोइंग विथ सी सेक्शन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं ना कहीं खुशी है कि बेबी बहुत अच्छा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो चुका है, और मैंने इसी सेकेंड वाले सी सेक्शन में ही फैमिली प्लानिंग भी करा चुकी हूँ, बिकॉज़ ये मेरा फोर्थ बेबी है। जी हाँ, मेरा फर्स्ट बॉय है, सेकेंड गर्ल है, थर्ड बॉय है, और फोर्थ भी बॉय है, फर्स्ट बेटा सेकेंड बेटी। तो फर्स्ट बेटा बेटी जो मेरे नॉर्मल हुए हैं, और थर्ड बेटा और फोर्थ बेटा मेरा सी सेक्शन से हुए हैं। तो ये है मेरी जो अनोखी और थोड़ी डिफरेंट, आप लोगों को सुनकर अजीब लगेगा कि दो नॉर्मल होने के बाद दो सीजेरियन कैसे हुए हैं मेरे, और थोड़ी सी ही गलती जो कि पानी की थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी ही कमी, शायद अभी मेरे पास टाइम था 2 हफ्ते का, तो उतने में मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा बहुत पानी के पाउचेस वगैरह पी कर कवर अप करूँ, तो डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि अब आ चुके हैं तो करा लीजिएगा, क्यों एक्सक्यूज़ करते हो वगैरह वगैरह कह के कर दिया। मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर रही हूँ, ना किसी को जज कर रही हूँ, मेरा इंटेंशन किसी को तकलीफ़ देना, परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। और ये रहे मेरे विद प्रूफ जेन्यून एक्सपीरियंस के बेस पर सब कुछ। तो आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है, और आपके जो भी क्वेश्चन इंक्वायरीज़ है या फिर जो भी है वो कमेंट बॉक्स में फिल ज़रूर करना। अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए ज़रूर से लाती रहूँगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी इसी बेस पर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रेगनेंसी की जर्नी को अच्छे से इन्जॉय करिएगा, और जो भी क्वेश्चन इंक्वायरीज़ हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना, ताकि आने वाली अच्छी और हेल्पफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त से पहले मिलती रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, हैप्पी प्रेगनेंसी, हैप्पी जर्नी टू यू।